हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल सनलाइट किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं झारखंड स्पेशल ढोसका। यह झारखंड में बहुत ही पसंद किया जाता है, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम आलू चने की सब्जी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ढोसका बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिया है। मैंने यहाँ पर मोटा चावल लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। सेम ही कटोरी से मैंने 1 कटोरी चना दाल लिया है और उसी कटोरी से मैंने 1/2 कटोरी बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है। इन तीनों को हमें मिला देना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे हमें 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसमें मैं ऊपर तक पानी भरकर ओवरनाइट तक भिगो कर रखूँगी। आप चाहे तो 3-4 घंटे भी इसे भिगो कर रख सकते हैं, इससे भी यह बहुत ही अच्छा फूल जाता है। आप देख सकते हैं ओवरनाइट रखने के बाद यहाँ पर मेरा चना और दाल अच्छे से फूल गया है। अब इसे हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने से पहले आप इसका पानी अच्छे से निकाल दें। अब जार में थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालकर इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसका बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल ही स्मूथली पेस्ट बनाना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर बनाने समय आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएं, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। हमें पतला बैटर बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह मैं सारे बैटर को पीस लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बैटर को पीस लिया है। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। सेमी जार में मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को पीस लेती हूँ और इसे पीस कर मैं इसे बैटर में मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है और इसे बैटर में मिला दिया है। बैटर बनाने के लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया था, जिसमें मैंने 1.5 गिलास पानी का यूज़ किया है। इतना पानी मेरा बच गया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं बैटर की जो थिकनेस होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। आपका बैटर जितना ज़्यादा फर्मेंट होगा आपका ढोसका उतना ही अच्छा बनेगा। फर्मेंट होने के लिए हमें इसमें कोई सोडा और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, हमें इसी तरह इससे फर्मेंट होने देना है। 2 घंटे बाद जैसे ही हमारा बैटर फूल जाएगा, इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसे हींग डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, मैं क्रश करके डाल देती हूँ। और इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। हमारा बैटर तैयार है। तो अब चलते हैं ढोसका बनाने के प्रोसेस में। बैटर आपका जितना अधिक फर्मेंट होगा आपका ढोसका उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने 1 कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ। देखिए, यह तैर के ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल गर्म है। ढोसका बनाने के लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। अगर आपका तेल गर्म नहीं रहेगा तो आपका ढोसका नहीं बनेगा। अब इसमें 1-1 कर ढोसका डालें। ढोसका को हमें 1 ही तार में गिराना है, इधर उधर ना फैलाएं। 1 बार डालें, फिर थोड़ी देर वेट करें, फिर दूसरा ढोसका डालें। 1 बार में सारा ढोसका ना डालें, नहीं तो आपका ढोसका नहीं फूलेगा। और इस पर हल्के हल्के हाथों से गर्म तेल डालें तो आपका ढोसका बिल्कुल ही अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए कैसे यह बैलून की जैसे फूल रहा है। आप अगर इस तरह से ढोसका बनाएंगे तो आपका भी ढोसका इसी तरह से फूलेगा। जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। ये देखिए,
ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो इसे मैं किचन तवे पर निकाल लेती हूँ। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। आप एक बार बैटर डालें और उसके ऊपर हल्का से गरम तेल डालें तो वह डोसा अपने आप ही फूल जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे बैलून की जैसा डोसा फूल गया है। इस बात का ध्यान रखें कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करके रखें। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा तो आपका डोसा बिल्कुल ही नहीं फूलेगा, इसलिए तेल का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करके रखें। इस तरह मैंने सारे डुस्के को बना लिया है। अब चलिए अभी से सर्व करते हैं। इसे मैंने आलू चने की सब्जी के साथ सर्व किया है। यह आलू चने की सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं मेरे सारे डुस्के कितने अच्छे से फूले हैं। देखिए ये कितने ही परफेक्ट फूले हैं। मैं इसे अंदर की लेयर को भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने अच्छे से फूले हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।